नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम है टैकी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक्टून गुरु जी। चलिए कुछ नया करते हैं दोस्तों। आज फिर इस वीडियो में कुछ लेकर आए हैं, कुछ खास और कुछ नया। दोस्तों इस वीडियो में खास कुछ ऐसा इसलिए है क्योंकि एक नई सरकार की योजना के तहत सभी भामाशाह कार्ड धारकों को मिलेगा एक नया मोबाइल फ़ोन। जो कि मोबाइल फ़ोन आपको मिल रहा है वो मिलेगा जियो के साथ समझौता करेगी सरकार, और एक नई योजना है जो है जियो भामाशाह प्रोग्राम। इसके तहत सभी को मिलेगा एक नया स्मार्टफोन, वो भी सभी भामाशाह धारकों को। तो देखते रहिए इस वीडियो को मेरी अंत तक। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इस फ़ोन को कैसे ले सकते हैं, आपको इसके लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे और ये फ़ोन आपको कहाँ से मिलेगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके सबसे ज़्यादा जो डाउट चल रहे हैं अभी तक सभी के मन में, वो सभी डाउट क्लियर करूँगा। पहला कि ये फ़ोन हमें कहाँ से मिलेगा, दूसरा डाउट ये चल रहा है कि हमें कितने रुपए में मिलेगा और कैसे हमें इसे रुपए देने होंगे, तीसरा फ़ोन इसके अंदर हमें क्या क्या मतलब क्या जीब क्या डेटा मिलेगा या फिर हमें क्या कॉलिंग मिलेगी जो है वो, ये तीन डाउट जो सबसे ज़्यादा अभी सभी के मन में चल रहे हैं वो मैं तीनों डाउट क्लियर करूँगा इस वीडियो में। तो मैं चलता हूँ सबसे फर्स्ट डाउट की तरफ, जो कि फर्स्ट डाउट ये है कि हमें ये फ़ोन कहाँ से मिलेगा। तो मैं अगर बात करूँ इस फ़ोन की, जो एक स्मार्टफोन मिल रहा है जो 95 रुपीज़ के अंदर, वो स्मार्टफोन आपको मिलेगा एक या तो कंपनी के थ्रू एक कैंप लगाया जाएगा, उस कैंप के थ्रू आप वहाँ जाकर वो फ़ोन ले सकते हैं, या फिर अगर दूसरा ऑप्शन एक रखा गया है जियो स्टोर, यानी कि जो बेसिकली हम अपने फ़ोन में जो जियो ऐप यूज़ करते हैं या फिर जियो स्टोर है उसके थ्रू भी हम इस फ़ोन को परचेज़ कर सकते हैं, और अगर कोई रिटेलर्स है उसके थ्रू भी हम ये फ़ोन परचेज़ कर सकते हैं। ऐसा अभी तक कहा गया है और आगे की अभी कुछ कहा नहीं गया, बट अभी तक जो पता चला है वो ये है कि आप इसे जियो स्टोर या फिर कैंप या फिर रिटेलर से परचेज़ इस फ़ोन को कर सकते हैं। ये बेसिकली मैं डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप इसे डायरेक्टली जियो स्टोर से भी परचेज़ कर सकते हैं। और दूसरा डाउट जो सभी के मन में अभी तक चल रहा है कि इस फ़ोन के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा और कैसे पे करना पड़ेगा। तो मैं बता दूं आपको, हर कस्टमर को 1,095 रुपये यानी 1,095 रुपीज़ देने होंगे इस फ़ोन के लिए। वो कैसे मैं बताता हूँ। इसके साथ क्या होगा, आपको एक भामाशाह कार्ड देना होगा, जो सॉफ्टवेयर से क्या करेंगे, इस भामाशाह कार्ड के नंबर आपके बैंक से लिंक कर देंगे, और लिंक करने के बाद जब आप 1,095 रुपये यानी 1,095 रुपीज़ आप पे कर देंगे, तो जो आपका बैंक से जो लिंक किया है, यानी आपके भामाशाह कार्ड को जो बैंक से लिंक किया गया है, उसमें सरकार 500 रुपये की सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में डाल देगी, और जो 500 रुपये जो बच गए हैं वो आपके बैंक में एक बैलेंस के रूप में आ जाएंगे। और जो ये बैलेंस आएगा, या फिर हम कह सकते हैं जो ई वॉलेट के रूप में आ रहा है, ये एक या तो पेटीएम हो सकता है या रिचार्ज, जो भी कह सकते हैं आप, ये आपके तभी फ़ोन में आएगा जब आपके फ़ोन में भामाशाह ऐप होगा, क्योंकि ये इसकी कंडीशन सबसे बड़ी यही है कि अगर आपके फ़ोन में अगर भामाशाह ऐप है तभी आप वो 500 रुपये ई वॉलेट के थ्रू जो आ रहे हैं उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखें तो सबसे पहले आपको इसके लिए भामाशाह ऐप डाउनलोड करना होगा, उसके बाद ये 500 रुपये आप ई वॉलेट के यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे कहीं ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बेसिकली सेकंड डाउट भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको इसके लिए 1,095 रुपये यानी 1,095 रुपीज़ पे करने होंगे, बट अगर देखा जाए तो ये इफेक्टिवली हमारे लिए 95 रुपीज़ में पड़ेगा, क्योंकि 1,000 रुपीज़ जो कि 1,000 रुपये सरकार हमें बेसिकली वापस हमें दे ही रही है, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए सिर्फ 95 रुपीज़ में ही पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ हमारे तीसरे डाउट की तरफ, जो सबके मन में चल रहा है इसके लिए हमें कितने दिन का मतलब नेट मिलेगा या फिर कह सकते हैं डेटा मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं जो इस फ़ोन में आपकी जो वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी 6 मंथ की वैलिडिटी यानी कि 6 महीने की वैलिडिटी रहेगी, और आपको पर डे 1 GB डेटा मिलेगा, जो कि अभी तक पता चला है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको 1 GB डेटा मिलेगा इसके लिए, और 6 मंथ इसकी वैलिडिटी रहेगी, जो कि मेरे हिसाब से सही है। आप 1 GB डेटा एक स्मार्टफोन में यूज़ कर रहे हैं, वो भी 6 मंथ के लिए, और आप देखा जाए तो इफेक्टिवली 95 रुपीज़ ही पे कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से स्मार्टफोन एक सही होना चाहिए। और एक हमें एक स्मार्टफोन जो हमें डिजिटल इंडिया की तरफ ले जाना चाहता है, तो मेरे हिसाब से सही है जो अभी तक स्मार्टफोन नहीं खरीद पाए, जो बेसिकली जो लोग हैं जो अभी तक किसी को स्मार्टफोन जो भी अभी तक कीपैड का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और स्मार्टफोन की तरफ आगे नहीं बढ़ पाए, उनके लिए स्मार्टफोन मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट हो सकता है, क्योंकि स्मार्टफोन हमें डिजिटल इंडिया की तरफ लेकर जाएगा, तभी हम कुछ डिजिटल चीज़ों की तरफ रूबरू हो सकेंगे। मेरे हिसाब से ये फ़ोन इसीलिए इसको लॉन्च किया जा रहा है ताकि हर व्यक्ति को, या फिर हम कह सकते हैं हर
आदमी को इसके डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ाया जा सके। तो देखा जाए तो ये फ़ोन आपको 1095 रुपीज़ में मिलेगा वैसे, और वैसे देखा जाए तो आपको इफेक्टिवली इसकी जो प्राइस पड़ेगी वो 95 रुपीज़ रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को एक कर दीजिए लाइक, और साथ ही साथ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है और आप इसे चाहते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस जो नई सरकार की योजना है इसका पता चल सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।